लोकसभा में बुधवार यानी कि 20 दिसंबर को नया टेली कम्युनिकेशन बिल 2023 पास हुआ है। अब इस बिल को फाइनल रिव्यू के लिए राज्यसभा में भेजा गया है। इस बिल में फर्जी सिम लेने पर 3 साल जेल और 50 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। बिल में टेलीकॉम कंपनियों को उपभोक्ताओं को सिम कार्ड जारी करने से पहले अनिवार्य रूप से बायोमेट्रिक पहचान करने को कहा गया है। यह बिल सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों से किसी भी टेलीकॉम सर्विस या नेटवर्क के टेक ओवर मैनेजमेंट या उसे सस्पेंड करने की अनुमति देगा। यानी कि युद्ध जैसी स्थिति में जरूरत पड़ने पर सरकार टेलीकॉम नेटवर्क पर मैसेजेस को इंटरसेप्ट और यह कर सकेगी। यह बिल 138 साल पुराने भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम को बदलेगा, जो टेलीकॉम सेक्टर को कंट्रोल कर सकता है। इसके अलावा द इंडियन वायरलेस टेलीग्राफ एक्ट 1933 और टेलीग्राफ वायर्स एक्ट 1950 की भी यह बिल जगह लेगा। यह ट्राई एक्ट 1997 को भी संशोधित करेगा। में आज चर्चा हुई है, मैं संक्षिप्त में 10 पॉइंट में इसका जवाब दूंगा। सभापति महोदय, सबसे बड़ा इस बिल में जो रिफॉर्म आया है वो है यूजर प्रोटेक्शन। आज हम सब जानते हैं किस तरह से किसी के नाम पर भी बैंक के नाम पे कॉल करता है कोई, 5,000 10,000 ऐसे निकाल देते हैं किसी के अकाउंट से। उस पे बहुत फोकस करके फ्रॉडुलेंटली कोई सिम न ले सके और सिम बॉक्स जैसी व्यवस्था न उपयोग में ला सके, बिना केवाईसी के सिम न मिल सके, इस तरह की व्यवस्था इसमें की गई है। बहुत कड़े प्रावधान भी किए गए फ्रॉडुलेंटली सिम लेने के मामले में, इम्पर्सनेशन के मामले में 3 साल और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, जिस तरह से भारत सरकार ने, मोदी जी ने प्रयास किए टेलीकॉम में शुचिता लाने के लिए, उससे इस बिल में और इस तरह के प्रावधान से बहुत बड़ा एक इससे साधन मिलेगा। अध्यक्ष जी, जो दूसरा पॉइंट है वो है राइट ऑफ वे रिफॉर्म्स। जिस तेजी से टेलीकॉम की इंडस्ट्री बढ़ रही है, जिस तरह से लोगों को सुविधा मिल रही है, उसमें राइट ऑफ वे का रिफॉर्म बहुत जरूरी था और इसमें पूरी तरह से राज्य सरकार को सम्मिलित करके डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट जज के माध्यम से राइट ऑफ वे का रिफॉर्म लाया गया है। तीसरा, लाइसेंस का रिफॉर्म है। 100 से एक ऐसे विभिन्न प्रकार के लाइसेंस होते हैं, उनकी जगह एक सिंपल ऑथराइजेशन होगा। चौथा, स्पेक्ट्रम का रिफॉर्म है। 1885 के एक्ट में स्पेक्ट्रम, तब उसकी कोई बात भी नहीं होती थी, तो इसमें एक स्पेक्ट्रम के लिए बहुत अच्छी, बहुत सोची समझी और कानून सम्मत सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस था उसको सम्मान करते हुए उसी के अनुसार एक व्यवस्था इस बिल में लाई गई है।